हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको एवरेज का पार्ट फोर देने जा रहा हूँ और इसमें क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन मैंने किया है और आप हर वीडियो को फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड फ्रॉम ए टू जेड ए से लेकर जेड यानी शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें और हर वीडियो के लास्ट का जो क्वेश्चन होगा वह आपके मैथमेटिक्स के इंटरेस्ट को इग्नाइट करेगा। तो इस तरह से मैं पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि ए बी तथा सी का औसत एम तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत ज्ञात करें। आपको मैं अब सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ए प्लस बी प्लस सी तीन टर्म का औसत है, एम तीन से मल्टीप्लाई कर जाएगा टोटल आ गया। अब ऑन स्क्वायरिंग देखिए, अब आपका इसको होल स्क्वायर कर दीजिए तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा? आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका वैल्यू इन द क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है जीरो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आपको एवरेज का बोलिए, एवरेज फाइंड आउट तो एवरेज हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर तीन टर्म है इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रथम 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। सॉल्यूशन आएगा, पहले आप योगफल निकाल लीजिए। योगफल सम 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर तो इसमें कॉमन आ रहा है। देखिए 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अब आ जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इस तरह से और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n इंटू एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बटा 6 और n का नंबर ऑफ टर्म यहाँ 5 है, 5 5 एक 6 2 गुने 5 11 हो जाएगा कटेगा और अब हो जाएगा मीन। मीन इज इक्वल टू 4 गुने 5 गुने 11 ये कटेगा और इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रथम 9 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जैसे कि सम निकालना है, सम इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है, ऐसे आप इसको इजी वे में कर सकते हैं लेकिन अगर स्ट्रक्चर से बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और इसमें से आपने एक्स्ट्रा कितना लिखा, 1 से 9 तक लिखा तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का। मैं इस तरह से इसलिए बता रहा हूँ कि जब बड़ी संख्या दिया हुआ रहेगा तो फिर आपको इसका वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ। तो इसका इसमें 2 का स्क्वायर देखिए कॉमन आ रहा है, अब ये फार्मूला चला जाएगा
9 गुणा 10 और ये हो जाएगा 4 गुणे 5, 4 5 9 बटा 6, यहाँ लिखे 9 10 19, तो 6 से ये कट जाएगा 15 बार में, और ये 3 से 3 बार में कटेगा, 2 से कटेगा, 15 नवा 135, बाकी 13, 15 का 15, 13 28, और 2 4 8 5 40 दिया 120, तो घटाइए। अब आओ सब मीन 165 कितना संख्या है, 1 2 3 4, ए 1 2 3 4 और 1 2 3 1 3 5 7 छूट गया है, सॉरी, ए 1 2 3 4 5 पांच संख्या है, तो आंसर आया 33। ये जो बताया मैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसके पहले का जो क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग क्वेश्चन है, तो इस तरह सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, तारा सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार को तापमान कितना था। मैं अब आ रहा हूँ टू द सॉल्यूशन। देखिए कारण सोमवार यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार, 3 गुना हो जाएगा 37, टोटल आ गया। अब मंगल से, मंगल बुध हो गया और बृहस्पतिवार हो गया, आप इसको घटाइए, ये कट जाएगा, क्या आएगा, सोमवार माइनस बृहस्पतिवार, 3 कॉमन ले लीजिए दोनों में, 37 में ये 34 घटेगा। और क्या दिया हुआ स्ट्रक्चर देखिए, और दिया हुआ है बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार का, ये लिखाएगा बृहस्पतिवार और कौन सोमवार, 4/5। तो आइए अब बृहस्पतिवार का नाम निकालना, वैल्यू बृहस्पतिवार के सामने क्या है 4, और यहाँ डिफरेंस 5/4 का अंतर 1, और अंतर यहाँ कितना है 36 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको सोमवार का निकालना है, सोमवार का देखिए, सोमवार के सामने क्या है देखिए 5, यहाँ अंतर, यहाँ अंतर लिखाता है, यहाँ योगफल रहेगा, यहाँ योगफल लिखाता है, इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, तो मैं अब सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 12वां पारी बनाया 63 रन, तो इसका मतलब है कि 11 पारी ऑलरेडी बैट्समैन खेल चुका है, 11 पारी का औसत एक्स, ये मैंने लेट किया, 11 पारी का अगर एक्स माना तो टोटल हो जाएगा 11x। अब 12वां पारी में कितना बनाया 63, और यहां कर दीजिए टोटल इज इक्वल टू टोटल, इधर 11 एक 12 पारी, इधर भी 12 इंटू कर रहा है 12वां पारी, तो औसत
औसत था 11 पारी का x, दो बढ़ा दिया और 11x 12x 12 इंटू एक्स 12 दूनी 24 अब हो जाएगा अब 63 इधर से 24 लाइए x 13 में 4 जाएगा 9 5 में से 2 जाएगा 3 ये हो गया 11 पारी तक औसत और कहेगा 12 पारी तक औसत तो 12वां पारी तो ये 12 पारी औसत है ये x प्लस 2 का एक क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 रन की वृद्धि होती है x प्लस 2 हो गया तो 39 प्लस 2 तो अगर 11 पारी तक पूछेगा एवरेज बताइए तो दैट इज 39 अगर पूछेगा 12 पारी तक एवरेज देन आंसर विल बी 41 इस तरह सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी 282 रन का टारगेट को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए तो सॉल्यूशन आएगा 40 ओवर का रन रेट। रन रेट मतलब औसते हुआ एवरेज तो टोटल आपको 282 चाहिए और 10 ओवर में 10 ओवर का टोटल हो गया इतना अपॉन हो जाएगा 40 टोटल 50 ओवर है एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में वनडे मैच है ओडीआई है तो आप 32 घटाइए 0 और काटिए तो इस तरह से हर ओवर में अब चाहिए 6.25 इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज इसे आप अच्छे तरह समझने का प्रयास करेंगे। 5 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का औसत 66 है इन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन तो 5 क्रमागत पूर्णांक हम लोग क्या कर देते हैं इसको पहले मिडिल वाला x मान लिए x अब इधर लिख देते हैं x प्लस 1 और 2 इधर लिखाएगा इसको मैंने ओरिजिन मान लिया इसको मैंने मान लिया ओरिजिन इधर चले गए फॉरवर्ड इधर आएंगे अब बैकवर्ड आएगा तो अब इसका सभी का स्क्वायर का कर है वर्गों का औसत x माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर और तो इस तरह टोटल इधर भी टोटल हो गया ये औसत है 5 से मसन के गुना कर दिए अब देखिए x स्क्वायर 5x स्क्वायर यहाँ से 4 आएगा यहाँ से 1 आएगा 5 यहाँ से 1 आएगा यहाँ से 4 तो 4 एक 5 एक 6 दो दूनी 4 10 और इसका माइनस 2ab इसका प्लस 2ab से कट जाएगा इसका माइनस 2ab इसका प्लस 2ab से कट जाएगा और 5 से काटिए 5 से काट दीजिए
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 66 में से 2 घटाइए तो आ जाएगा 64। एक्स इज इक्वल टू 8 आया, ओरिजिन 8 आ गया। अब देखिए, अब 8 आ गया, इधर जाएंगे तो 9, 10 इधर आएंगे, घटेगा 1, 7 फिर घटेगा 6। अब इसका औसत कह रहा है बताइए, इसका कह रहा है मीन बताइए। तो ये तो रेगुलर नंबर है, एपी में है, ये एपी में है, और देखिए जस्ट मिडिल में 8 आ रहा है। तो अगर संख्या एपी में होता है तो जो जस्ट बीच में होता है तो वो एवरेज होता है, औसत होता है। इस तरह से इसका आंसर 8 आएगा, इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और फिर अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे।